नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। सीएम योगी यूपी के 10 लाख लोगों को घरौनी का तोहफा देने जा रहे हैं, जिससे संपत्ति विवाद समेत कई विवाद में कमी आएगी। इसके साथ ही इस योजना के कारण लोगों को कई लाभ मिलेंगे। इस रिपोर्ट में देखिए, उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में रहने वाली बड़ी आबादी को सीएम योगी आदित्यनाथ एक बड़ा उपहार देने जा रहे हैं। स्वामित्व योजना के तहत 10,81,062 ग्रामीणों को डिजिटल माध्यम से सीएम योगी उनके आवास का मालिकाना हक दिलाने वाले दस्तावेज यानी घरौनी प्रमाण पत्र 23 जून को सौंपेंगे। योजना का लाभ पाने वाले ग्रामीणों को घरौनी प्रमाण पत्र मिलने से काफी राहत मिलेगी। उनके लिए बैंकों से लोन प्राप्त करना आसान हो जाएगा, साथ ही आवश्यक सेवाओं को प्राप्त करने से भी घरौनी के दस्तावेज उनके काम आ सकेंगे। राज्य सरकार स्वामित्व योजना के तहत सभी 75 जनपदों में घरौनी तैयार करने का काम बड़ी तेजी से कर रही है। अभिलेखों को तैयार करने के लिए 1,10,313 ग्रामों को चिन्हित किया गया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 24 अप्रैल 2020 को शुरू की गई स्वामित्व योजना का लाभ मुख्यमंत्री योगी यूपी के ग्रामीणों को भी बड़े पैमाने पर दिला रहे हैं। आपको बता दें कि स्वामित्व योजना के तहत 20 जून तक प्रदेश में कुल 68,641 ग्रामों में ड्रोन सर्वे का काम पूरा कर लिया गया है। 23,287 ग्रामों में कुल 34,28,305 घरौनियां तैयार हो चुकी हैं। योजना के तहत ग्रामीण आवासीय अभिलेखों का निर्माण हो जाने पर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति संबंधी विवाद काफी कम हो रहा है। अब सवाल यह है कि आखिर इस योजना से लाभ क्या है, तो चलिए हम आपको अब इस योजना के बारे में बताते हैं। तो दरअसल इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति संबंधी विवाद काफी कम होंगे, साथ ही न्यायालय में चल रहे विवादों का निस्तारण जल्द हो पाएगा। आबादी क्षेत्र का प्रारंभिक डाटा तैयार होगा। सरकार विकास की योजनाओं को आसानी और तेजी से संचालित कर सकेगी। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय तरलता और वित्तीय सुदृढ़ता के साथ ही विकास की प्रक्रिया को भी गति मिलेगी। बहरहाल, ये पहली बार नहीं है जब योगी सरकार की तरफ से लोगों को लाभ देने के लिए इतनी बड़ी संख्या में कार्यक्रम किए जा रहे हैं। सरकार बनने के बाद से ही लगातार सीएम योगी और उनकी सरकार गरीबों के कल्याण के लिए योजनाएं और फैसले ले रही है। इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।